मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। जो लोग ये कहते हैं कि औरतें प्रचार नहीं कर सकती, औरतें बपतिस्मा नहीं दे सकती, औरतें ये नहीं कर सकती, औरतें वो नहीं कर सकती, वो प्रेरित नहीं बन सकती, प्रोफेटेस नहीं बन सकती, पास्टर नहीं बन सकती। अब मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूँ, प्रेरितों के काम 1:14 में लिखा, ये सब कई स्त्रियों यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। फिर क्या हुआ, प्रेरितों के काम 2:1, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठे थे, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और वो सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी फटती हुई जीभें दिखाई दी और उनमें से हर एक पे आ ठहरी। वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा उन्होंने बोलने की सामर्थ्य दी वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया। अब वो एक जगह इकट्ठे थे, कौन, मैंने आपको पढ़ाया कौन थे, उनमें स्त्रियां थी, यीशु की माता मरियम थी, भाई थे, और लिखा वो पवित्र आत्मा सब पर उतर